तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना, तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे, जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है आज के दिन? जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है, जमीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता कि जो आस है कांग्रेस से वो टूट रही है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, महागठबंधन की महामजबूती के लिए ही दोनों सीट कैसे हम जीतेंगे इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों से बात करके, भक्त चरण दास जी से भी बात करके तब दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा। और ये सारा मामला कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के कुछ लोग खराब कर रहे हैं और एनडीए को, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंटरव्यू आ भी गया, यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फुहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर अपनी टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी के एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियाँ थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जनुभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया, सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको देख के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाए।